नेक्स्ट टॉपिक है एंडेमिज्म ठीक है तो एंडेमिज्म क्या होता है एवरी प्लांट स्पीशीज हैज़ इट्स ऑन पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन और रेंज दैट इज डिपेंड ऑन स्पीशीज हिस्ट्री एंड इट्स माइग्रेशन एबिलिटी एंड अडाप्टबिलिटी ठीक है जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ होती हैं उनका अपना पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेंज होती है ठीक है और वो किस पे डिपेंड करती है स्पीशीज हिस्ट्री और इट्स माइग्रेशन एबिलिटी एंड अडाप्टबिलिटी जनरली नो टू स्पीशीज़ हैव द सेम रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कभी भी दो स्पीशीज़ की जो रेंज uh, होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कभी भी सेम नहीं होती उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंटिन्यू टू चेंज ऑल द टाइम ठीक है और यहाँ पर जो रेंज टर्म यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए है एंटायर रीजन ऑफ पर्टिकुलर टेक्सॉन और वेजिटेशनल यूनिट ठीक है जहाँ पे भी रेंज बर्ड का यूज होगा उसका मतलब है एंटायर रीजन ऑफ पर्टिकुलर टैक्सॉन और वेजिटेशनल यूनिट द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन दिस रेंज इज़ टर्म्ड एज टोपोग्राफी ठीक है जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस एंटायर uh, रेंज के अंदर उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी एंडेमिज्म मीन्स वेन आर स्पीशीज इज फाउंड ओनली अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज ऑफ इट्स आइसोलेशन सॉयल एंड क्लाइमेट कंडीशन इट इज सेट टू बी एंडेमिक एंडेमिक प्लांट आर स्पेशल बिकॉज दे आर फाउंड इन ओनली वन लोकेशन ऑन द प्लानट एंड नॉव येयर एल्स ठीक है एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्पीशीज़ जो एक ही पर्टिकुलर रीजन पे आपको देखने को मिलेगी ठीक है उसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म और ये क्या है ये लिखा हुआ है कि स्पेशल दे आर स्पेशल बिकॉज दे आर फाउंड ओनली वन लोकेशन ऑफ ऑन द प्लानट ठीक है प्लैनेट पे आपको एक ही जगह पे जो स्पीशीज़ देखने को मिलेगी उसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म या फिर एंडेमिक स्पीशीज ठीक है और क्या बोल सकते हैं एंडेमिज्म कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज जीनस ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू अ पर्टिकुलर एरिया ठीक है जितनी भी स्पीशीज पर्टिकुलर एरिया में पाए जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंडेमिज्म ठीक है वो प्लानट में सिर्फ एक ही जगह में देखने को मिलेंगी उनको हम बोलते हैं एंडेमिज्म अक्रिंग ओनली अ सिंगल रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया इज नॉन एज एंडेमिक ठीक है एंडेमिक किसके लिए यूज कर रहे हैं टेक्सा अक्रिंग ओनली अ सिंगल रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया इज नॉन एज एंडेमिक ठीक है सिर्फ एक सिंगल जगह के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड होगी ऑन द जियोग्राफिकल एरिया उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज ठीक है एंडेमिज्म नॉर्मली अप्लाइड ओनली वियर देयर इज अ कंसीडरेबल रिस्ट्रिक्शन इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है एंडेमिज्म हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं जहां पे जो है रिस्ट्रिक्शन इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई होंगी, उसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म। नेक्स्ट आ गया कॉज फॉर एंडेमिज्म ठीक है एंडेमिज्म के कारण क्या क्या हो सकते हैं नैरोकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड हो गया और अडाप्टेबिलिटी होगी जियोग्राफिकल वेरियर्स होगे, चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस होगी ठीक है तो ये सारे के सारे क्या हैं कारण हैं एंडेमिज्म के ठीक है अब टाइप ऑफ एंडेमिज्म क्या हैं ठीक है तीन तरह के टाइप्स हैं इसके न्यू एंडेमिज्म, पैलियो एंडेमिज्म और एपीबायोटिक और रेलिक एंडेमिक तो पहला आ गया न्यू एंडेमिज्म अ टेक्सोन इज एवोल्यूशनरली यंग एट एंड नॉट येट स्प्रेड ओवर द न्यू एरिया ठीक है वो क्या एवोल्यूशनरी यंग है पर वो स्प्रेड नहीं है ओवर द न्यू एरिया उसको हम बोलते हैं न्यू एंडेमिज्म ठीक है इसका एग्जाम्पल है सेंसेशिया कॉम्ब्रेंसिस ठीक है सेकेंड आ गया पीलियो एंडेमिज्म द टेक्सोन इज रिस्ट्रिक्टेड नाउ बट वन इट वॉज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है वो uh, ऐसा टेक्सोन जो अभी के लिए वो जो है रिस्ट्रिक्टेड है पर वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीशीज इन ए पॉकेट इज ड्यू टू फिजिकल वेरियर लाइक डेजर्ट माउंटेन सी एक्सेट्रा और चेंज इन क्लाइमेट और सॉयल टाइप एक्सेट्रा तो उसको हम बोलते हैं पीलियो एंडेमिज्म ठीक है कि जो टेक्सोन जो है रिस्ट्रिक्टेड हो गया है अभी के लिए पर जो एक टाइम में था कि वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको हम बोलते हैं पीलियो एंडेमिज्म थर्ड टाइप है एपीबायोटिक एंडेमिज्म द प्ल्ट बिलोंग टू फॉसल ग्रुप ठीक है प्लांट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं फॉसिल ग्रुप के साथ एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पॉकेट ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट लैक ऑफ कंपिटिशन एक्सेट्रा इसका एग्जाम्पल है गिंको वायलोबा विच इज रिस्ट्रिक्ट टू Restricted to China but widely spread in the north temperate zone as a fossil. Okay? A lot of work is going on neoendemics on the basis of cytotexonomic study. Favagar and contendriopolis 1961 differentiated three types of neo-endemics. Okay? who were endemics uh, patrio-endemics or apo-endemics. endemics, okay? endo, uh, endemics derived from having

ठीक है रिस्ट्रिक्टेड डिप्लॉयड विच हैव गिव राइज टू वाइड स्प्रेड पोलीपोलाइडी ठीक है रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक होते हैं डिप्लॉयड के लिए और कहाँ से अराइज करते हैं पोलीपोलाइडी से और एपो एंडेमिक्स क्या है रिस्ट्रिक्टेड पोलीपोलाइडी होती है और अराइज कहाँ से करते हैं डिप्लॉयड से ठीक है नेक्स्ट आ गया करैक्टर्स करैक्टर्स ऑफ एंडेमिक्स They are localized in distribution because of their narrow ecological amplitude and are unable to invade in fresh areas. ठीक है क्योंकि एंडेमिज्म हाँ, हम किसको बोल रहे हैं ऐसी species जो एक ही जगह पर पाई जाती है उनको हम बोल रहे हैं एंडेमिज्म They lack potentially to migrate because of saturated genomes. ठीक है ये क्या है इनमें जो माइग्रेशन नहीं होती क्योंकि इनमें जो है सेचूरेट जिनोम जो प्रेजेंट नहीं होता थर्ड पॉइंट आ गया रियल एंडेमिक्स नेवर माइग्रेट बाय न्यू एंडेमिक्स हैव द पोटेंशियल टू माइग्रेट ठीक है जो रियल एंड एंडेमिक्स होते हैं वो कभी भी माइग्रेट नहीं करते और जो न्यू एंडेमिक्स होते हैं वो क्या है माइग्रेट कर जाते हैं दैट इजल प्रोपोक्यूल्स आर नॉट एबल टू सस्टेन ड्यूरिंग माइग्रेशन टू अदर एरियाज इट मे बी ड्यू टू फिजिकल बैरियर ठीक है तो ये रही करेक्ट्रिस्टिक्स अब कुछ है, थ्योरीज हैं ठीक है दो थ्योरीज हैं एंडेमिज्म की कौन कौन सी फर्स्ट में क्या है कि दे बिलीव दैट द लास्ट सर्वाइवर ऑफ बंस फ्लोरिशिंग फ्लोरा विच इज नाउ डिक्लाइन आर द रियलिक और एपीबायोटिक विच आर एंडेमिक्स ठीक है कि इसमें जो है लास्ट सर्वाइवर जो है जो एक बार जो है फ्लोरिश फ्लोरिशिंग फ्लोरा मतलब एक बार जो है फल फूल गए हैं और वो फिर उसके बाद जो है डिक्लाइन कर गए हैं उनको हम बोलेंगे एपीबायोटिक द फर्स्ट थ्योरी इज पोर्टेड बाय जियोग्राफर एग्जाम्पल सिकोिया सेमी पेनीरस ऑफ द सेंट्रल वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया एंड ऑरिगोन एज सिको गिगेंटियाई ऑफ सियारा नवेदा विच आर एंडेमिक टू देयर रिस्पेक्टिव

एग्जाम्पल ऑफ प्राइमोला इम्पेटेनस रोडोडेंड्रॉन एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स एज इन सिक्वल ऑफ एवोल्यूशन ठीक है जो सेकेंड थ्योरी है वो क्या बोलती है कि एरिया किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है एज के ठीक है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडेमिज्म कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडेमिज्म है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंडेमिक्स आर नेचुरल क्रॉसिंग नेचुरल क्रॉसिंग अमंग द क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स ग्रोइंग अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड म्यूटेशन इफ द कंडीशन ऑफ आइसोलेशन इज डोवेल्प द इफेक्ट बिकम मोर प्रनाउंस्ड ठीक है कि जो नेचुरल क्रॉसिंग होती है प्लांट के अंदर वो सबसे बड़ा कारण है एंडेमिज्म का ठीक है लास्ट पॉइंट आ गया एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया ठीक है फर्स्ट आ गई रो, रोडोडेंड्रोन ब्यू मोंटिया फ्लोर आ गया इल्यूसन कोरकाना आ गया कैरियोटा यूरेना आ गया एलगेल मार्मेलोस करोटो लेरिया यूएंसिया सेवंथ आ गया फिक्कस लेजियोसा जियोसा आ गया स, आ, सिस्मम इंडिकम ठीक है तो ये कुछ स्पीशीज हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है एज अ एंडेमिक द अदर स्पीशीज बिलोंग टू फैमिलीज लाइक रूबिएसी रोजिएसी एस्ट्रेसी प्राइमलेसी एकेथियेसी एक्सेट्रा ठीक है तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक एंडेमिज्म